नमस्कार दोस्तों। तो आज भी बताने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो सोशल साइंस से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सोशल साइंस में भी भूगोल सिलेबस का जो चैप्टर है परिवहन, संचार और व्यापार, इस चैप्टर से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने लाए हैं। जो यह एग्ज़ाम आने वाला है मैट्रिक का, उस एग्ज़ाम के लिए यह इम्पोर्टेंट होने वाला है यह क्वेश्चन। तो आज का यही टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताना और इसका आंसर बताना। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो चलिए बताते हैं। बताने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर का नाम है परिवहन, संचार और व्यापार। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है 2.42 लाख किलोमीटर, ख है 1.46 लाख किलोमीटर, ग है 3.88 लाख किलोमीटर, घ है 5.78 लाख किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ग 3.88 लाख किलोमीटर। उसके बाद दो नंबर कह रहा है, निम्न में कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है मुंबई और कोलकाता, ख है सिलचर तथा पोरबंदर, ग है नागपुर तथा सिलीगुड़ी, घ है मुंबई और नागपुर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ख सिलचर तथा पोरबंदर। उसके बाद तीन नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है बिहार, ख है महाराष्ट्र, ग है तमिलनाडु, घ है केरल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ख महाराष्ट्र। उसके बाद चार नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय जल मार्ग का एक वर्ग नहीं है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है पूर्व पश्चिम गलियारा, ख है एक्सप्रेस वे, ग है स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग, घ है सीमांत सड़कें। तो इस क्वेश्चन का आंसर है घ सीमांत सड़कें। उसके बाद पांच नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है कोची, ख है तूतीकोरिन, ग है कांडला, घ है पारादीप। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ग कांडला। उसके बाद छः नंबर क्वेश्चन कह रहा है, परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है पाइपलाइन, ख है रेल परिवहन, ग है सड़क परिवहन, घ है जल परिवहन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है क पाइपलाइन। उसके बाद सात नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 जोड़ता है, यानी किससे जोड़ता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है दिल्ली को मुंबई से, ख है वाराणसी को बंगलुरु से, ग है कोलकाता को मुंबई से, घ है चेन्नई को कोलकाता से। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ग कोलकाता को मुंबई से। ये उसके बाद आठ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आठ नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है 4, ख है 6, ग है 2, घ है 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ख 6। उसके बाद नौ नंबर क्वेश्चन कह रहा है, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है लखनऊ, ख है पटना, ग है गांधीनगर, घ है चेन्नई। तो इस क्वेश्चन का आंसर है घ चेन्नई। उसके बाद दस नंबर क्वेश्चन कह रहा है, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग इनमें किस शहर को नहीं जोड़ता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है कोलकाता, ख है दिल्ली, ग है चेन्नई, घ है गुवाहाटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ये घ गुवाहाटी। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है विशाखापट्टनम, ख है पारादीप, ग है कोच्चि, घ है मंगलुरु। तो इस क्वेश्चन का आंसर है क विशाखापट्टनम। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है रेल परिवहन, ख है सड़क परिवहन, ग है पाइपलाइन परिवहन, घ है वायु परिवहन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ख सड़क परिवहन। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है कोलकाता, दिल्ली एवं मुंबई, ख है दिल्ली एवं मुंबई, ग है कोलकाता एवं चेन्नई, घ है दिल्ली एवं बंगलुरु। तो इस क्वेश्चन का आंसर है क कोलकाता,
दिल्ली एवं मुंबई। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय किस शहर में है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है चेन्नई, ख है कोलकाता, ग है बिलासपुर, घ है भुवनेश्वर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ग, बिलासपुर। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय किस शहर में है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है पटना, ख है हाजीपुर, ग है बरौनी, घ है कटिहार। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ख, हाजीपुर। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है 2006 को, ख है 2003 को, ग है 2008 को, घ है 2005 को। तो इस क्वेश्चन का आंसर है घ, 2005 को। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है 17 नंबर, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है 1986 में, ख है 1988 में, ग है 1985 में, घ है 1989 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है क, 1986 में। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है 18 नंबर, एनौर पतन किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है गुजरात, ख है गोवा, ग है तमिलनाडु, घ है कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ग, तमिलनाडु। इसके बाद क्वेश्चन 19 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पोताग्रह यानी पोर्ट है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है कोची, ख है कांडला, ग है कोलकाता, घ है चेन्नई। तो इस क्वेश्चन का आंसर है घ, चेन्नई। इसके बाद क्वेश्चन 20 कह रहा है, रेल परिवहन के विकास हेतु अनुकूल कारक है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है समतल मैदानी भाग, ख है उच्च जनसंख्या घनत्व, ग है नगरीय केंद्रों की अधिकता, घ है कृषि खनन और उद्योग की उन्नत दशा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है क, समतल मैदानी भाग। इसके बाद क्वेश्चन 21 नंबर कह रहा है, इनमें कौन संचार का साधन नहीं है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है सिनेमा हॉल, ख है टेलीफोन, ग है लाउड स्पीकर, घ है डाक सेवा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है क, सिनेमा हॉल। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इनमें आर्थिक विकास की जीवन रेखा कौन है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है संचार, ख है व्यापार, ग है परिवहन, घ है इनमें सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है घ, इनमें सभी, ये। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है 1985 में, ख है 1986 में, ग है 1995 में, घ है 1996 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ख, 1986 में। इसके बाद क्वेश्चन 24 नंबर कह रहा है, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है 7, ख है 5, ग है 6, घ है 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर है घ, 8। इसके बाद क्वेश्चन 25 नंबर कह रहा है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है 10, ख है 7, ग है 8, घ है 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ग, 8। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है 26 नंबर, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है बिहार, ख है पश्चिम बंगाल, ग है केरल, घ है उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ख, पश्चिम बंगाल। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ख है बाहरी व्यापार, ग है स्थानीय व्यापार, घ है आंतरिक व्यापार। तो इस क्वेश्चन का आंसर है क, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो इस चैप्टर से 27 क्वेश्चन ही आपके सामने लाए थे जो इस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको कैसा लगे आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें, और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।